कि 30-40 बड़े नेता पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, राजनीतिक षड्यंत्र करके काट दी। देव तुल्य जनता ही मेरी पार्टी है, लड़ेंगे जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं रास्ता मुझे लग रहा भटक रहे हैं। 200 गज का एक कमरा तक भी नहीं बनाया सरकार ने। देखिए, टिकट हो, कितनी बड़ी पार्टी हो, जनता की बटन जो दबाते, जनता बटन दबाने से MLA MP बनता है, पार्षद बनता है, RW का प्रधान बनता है। बड़ी पार्टी की टिकट होती है तो उसका एक बेस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोग पार्टी के टिकट वाले जीतते हैं। जिसके साथ जनता होती है, जिसके साथ जनाधार होता है, उसको कोई ताकत नहीं हरा सकती। मैंने बड़ा अफसोस हुआ, पार्टी ने टिकट काटी, ईमानदारी से काम किया, उसके बाद भी काटी, राजनीतिक षड्यंत्र करके काट दी। लेकिन गुड़गावा की जनता ने मुझे कहा कि नवीन रुकना नहीं, थकना नहीं है। अब गुड़गावा की देव तुल्य जनता ही मेरी टिकट है, देव तुल्य जनता ही मेरी पार्टी है, और लोगों ने नारा, साथियों ने दिया है कि लड़ेंगे जीतेंगे। लगातार चार बार पार्टी छोड़ दी है, कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, क्या आपसे कोई चर्चा हुई है? मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनकी नई पारी की, वो तो मेरे से भी सीनियर नेता हैं। देखो, उन्होंने भाजपा में इतना काम किया, आज GL शर्मा जी और नवीन गोयल नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर मुझे तो पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि 30-40 बड़े नेता पार्टी को छोड़ के चले गए हैं। मैं कहना चाहता हूं, खासकर अग्रवाल समाज और राजपूत समाज के समाज तो बहुत जाति की गई है। सोना के अंदर भी आज पंचायत हुई है, सूचना मिल रही है कि राजपूत समाज भी BJP को वोट नहीं दे रहा गुड़गावा के अंदर। ये दिल का दर्द है साहब। देखिए, जिस पार्टी के प्रिंसिपल थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बनाई हुई, उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई पार्टी, तो कहीं ना कहीं रास्ता मुझे लग रहा भटक रहे हैं। लेकिन मैं और ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं तो इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, 5 साल मुझे दो, गुड़गावा की जनता से आशीर्वाद मांग रहा हूं। हम पिछले 20 साल में जितने काम नहीं हुए उतने काम करूंगा। आज जिला जल भराव, गड्ढों के अंदर सड़क है, पता नहीं सड़क के अंदर गड्ढे हैं, पीने का पानी गंदा आना, ट्रैफिक जाम, कूड़े की व्यवस्था खराब, बेसिक चीजों के अंदर दिक्कत है। हम आगे तो बड़ी बात तो कर ही नहीं पाए, पिछले 5 साल के अंदर 200 गज का भी कमरा नहीं बना पाए, एक कमरा बोल रहा हूँ, 200 गज का एक कमरा तक भी नहीं बनाया सरकार ने, जिसको हैंडओवर किया हो। 4-5 काम शुरू किए वो बीच में ही पड़े हैं, माता शीतला के मंदिर का काम, मल्टी लेवल पार्किंग 3 बननी थी, एक शुरू हुई, वो एक भी पूरी नहीं हुई। उसके अलावा धनवापुर फाटक का अंडरपास का काम, 14 सेक्टर कॉम्युनिटी सेंटर का काम बीच में पड़ा है। हमारे निगम के पास बिल्डिंग नहीं, हमारे GMDA के पास बिल्डिंग नहीं, हमारे पास स्पोर्ट्स का ग्राउंड नहीं, हमारे पास सब्जी मंडी, अनाज मंडी नहीं। सब्जी मंडी में चला जाओ आदमी, 2 घंटे तक तो कपड़े की बदबू भी नहीं जाती, आदमी वहां पर सब्जी लेके नहीं आ सकता, अनहाइजीनिक पूरा सेटअप है। तो गुड़गावा को एक नया मॉडल बनाना है, 900 मीटर के मुद्दे को खत्म करना है, चहुमुखी विकास गुड़गावा का करना है, गुड़गावा को टूरिज्म में, शिक्षा में, चिकित्सा में। आप देखिए, हॉस्पिटल वाला काम कब से पेंडिंग पड़ा है, बस स्टैंड वाला काम कब से पेंडिंग पड़ा है। मैं नहीं, आप भी तो गुड़गावा के रेजिडेंट हैं, तो ये काम जो भी लेट हुए हैं सबको पूरा करवाएंगे, शुरू करवाएंगे, जल्दी पूरा करवाएंगे।